वैसे तो पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग रूटीन प्रक्रिया है, सिपाही जी हो या आईजी, सबको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मगर एक थानेदार के तबादले पर ऐसी जंग शायद ही पहले कभी होती देखी गई हो। थानेदार भी ऐसे निशानची जो तस्करों से मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग करते हैं और एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 तस्करों के पैर में एक ही जगह गोली मारकर उन्हें सरेंडर को मजबूर कर देते हैं। एनकाउंटर पर बाबाई मिलती है मगर कप्तान साहब कुछ दिन बाद थानेदार जी का तबादला कर देते हैं। तबादले की खबर आते ही सत्तारूढ़ दल के MLA अफसरों पर हल्ला बोल करते हैं और खुद थानेदार तबादले से आहत होकर ड्यूटी छोड़ देते हैं। थाने में लिखापढ़ी भी कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बेहद अल्प समय में उनका तबादला गौ तस्करों की गिरफ्तारी की वजह से किया गया है और इससे उनका मनोबल टूटा है, कुछ समय के लिए उनको नौकरी से कार्यमुक्त करने की कृपा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी में एक थानेदार के तबादले पर उठे सियासी ज्वार की खबर के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। जिस थानेदार के लिए खबर लिखी गई है उनका नाम इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी है। हाल के दिनों में इंस्पेक्टर त्यागी की पोस्टिंग यूपी के गाजियाबाद जिले में है। कुछ समय पहले तक वह गाजियाबाद के अति संवेदनशील लोनी बॉर्डर थाने में तैनात थे। पिछले दिनों इंस्पेक्टर त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तड़के गोवंशी पशुओं की तस्करी और वध करने वाले अपराधियों की घेराबंदी की थी। पुलिस की ओर से कहा गया कि मुठभेड़ में 7 तस्करों के पैरों में गोली लगी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से काटा गया गोवंशी पशु, हथियार और गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस टीम अभी अपने गुणवर्क की खुशी मना रही थी कि अचानक कप्तान के यहाँ से टीम लीडर इंस्पेक्टर त्यागी का तबादला आदेश आ गया। उन्हें लोडी बॉर्डर से हटाकर इंद्रापुरम थाने में इंस्पेक्टर क्राइम नियुक्त किया गया। ट्रांसफर से इंस्पेक्टर त्यागी इतना टेंशन में आ गए कि उन्होंने चार छोड़ने से पहले थाने की GD में ऐसा तस्करा लिख डाला कि उससे अफसर टेंशन में आ गए। इंस्पेक्टर त्यागी ने लिखा कि उन्हें लगता है गौ तस्करों पर कार्रवाई की वजह से उनका ट्रांसफर किया गया है, उनका मनोबल काफी टूट चुका है, इस समय वह नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, उन पर आज तक कोई आरोप नहीं है, उनकी कोई भी पेंडिंग नहीं है, उनका चरित्र उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है, इस घटना में अफसरों को उनकी जांच करानी चाहिए थी, अल्प समय में ट्रांसफर होने से मनोबल टूटा है, सर्विस पिस्टल जमा करता हूं, कुछ समय के लिए मानसिक परिस्थिति से रिकवर होने के लिए उन्हें कार्यमुक्त करने की कृपा करें। इंस्पेक्टर त्यागी के तबादले को लेकर असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब थाने का गोपनीय दस्तावेज माने जाने वाली GD का वो अंश सोशल मीडिया में वायरल हो गया जिसमें इंस्पेक्टर त्यागी ने अपने दिल की बात कही थी। मसला सामने आया तो लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुज्जर मैदान में कूद पड़े। ये वही विधायक हैं जो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में भी धरना दे चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ इंस्पेक्टर त्यागी के तबादले को लेकर मीडिया से बात करते हुए अफसरों पर हमला बोला बल्कि तबादला निरस्त करने की मांग भी उठाई। साथ में SSP गाजियाबाद पवन कुमार को लंबा चौड़ा पत्र भी लिख मारा। लेटर में विधायक ने इंस्पेक्टर त्यागी को कर्तव्यनिष्ठ बताते हुए उनके तबादले पर कई गंभीर सवाल उठाए। विधायक ने SSP से तबादले का फैसला वापस लेने को कहा। विधायक का पुलिस अफसरों पर हमला मीडिया की सुर्खियां बना तो अफसर भी एक्शन मोड में आ गए। थाने का गोपनीय तस्करा कैसे लीक हुआ, अफसरों ने इसकी जांच शुरू करा दी है। तबादले को लेकर महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक तूफान के बीच इंस्पेक्टर त्यागी छुट्टी पर जा चुके हैं। इस वजह से इंद्रापुरम थाने में इंस्पेक्टर क्राइम का पद फिलहाल रिक्त चल रहा है और मामला रोज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि गौ तस्करों पर कार्रवाई, इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर त्यागी का ट्रांसफर, थाने में गोपनीय लिखा पड़ी और तस्करा लीक होने से महकमे की जो आज फजीहत हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गो तस्करों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है,
उससे गो तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। पूरे जनपद में जिस तरह से पूर्व में जितने कप्तान थे उन्होंने बहुत कठोर कार्रवाई की और गोहत्या का गढ़ बन चुके गाजियाबाद को बिल्कुल एक भी गोहत्या की घटना सामने नहीं आई थी। उनके आने से लगातार गोहत्याएं बढ़ी हैं और इसमें साफ हो गया है इस तरह से मकान मालिक को बचाने के लिए इन बड़े अधिकारियों ने एक सांठगांठ की गो तस्करों से, और जब इंस्पेक्टर ने उनकी बात को नहीं सुना तो उनको वहां से हटाया गया। इसकी मैं निंदा करता हूं। मुझे उम्मीद है प्रदेश सरकार इसमें कार्रवाई करेगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपनी गलती को मानते हुए उनका तबादला निरस्त करेंगे, जिससे कि पुलिस का हौसला बढ़े, अपराधियों ने इन भू तस्करों का सफाया कर सके। गाजियाबाद से खबरची न्यूज के लिए अनुज त्यागी की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।